देशभर में मेडिकल टीम और सर्वे टीमों पर हमले की खबरें लगातार आ रही है। ऐसा एक शर्मसार करने वाला मामला मुंडावर उपखंड के गांव तीनू किरोड़ी में सामने आया है, जहां सर्वे कर रही टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस उप अधीक्षक नवाब खान ने बताया कि कोरोना सर्वे टीम के सदस्यों ने मामला दर्ज करवाया है कि गाँव में दिल्ली से एक युवक के आने की सूचना मिली थी, जिसे प्रशासन ने होम क्वारंटाइन के लिए पाबंद किया था। ऐसे में अन्य लोगों के सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची, जहां लोगों ने टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया और पत्थर भी फेंके। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के साथ 3 दर्जन से अधिक लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। इस टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम तीनकुर्मी में एक रवि नाम का व्यक्ति है, जो दिल्ली से आया है। इस संबंध में ये जो कोरोना रोकथाम की टीम थी, इसमें एक तो दीपचंद जी पटवारी भी थे, एक मौसम जी अध्यापक थे, एक सरोज नाम की एनएम जो है, ये सारी टीम उस गांव में पहुंची और उस रवि कुमार को होम आइसोलेशन के लिए बात करने के लिए वहाँ टीम पहुँची। तो उस रवि कुमार के ही रिश्तेदार थे, एक तो माता दीन कंजर था और उसकी लड़की थी श्रीमती लक्ष्मी देवी, जो उस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और उनके ऊपर पत्थर